नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीकंडे आपके यहाँ हरदम लाते रहता हूँ कुछ न कुछ। आज पहली बात, बिजनेस कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको अच्छे लगता होगा। मैं राजेश श्रीकंडे, उम्र 49 साल। मेरी जिंदगी में अनेक धंधे हुए, अच्छे हुए, सक्सेस हुए, लाइफ में मैं सुखी हुआ, आनंद हूँ। आज जो भी है भगवान के कृपा से और अपनी बुद्धि से, अपनी और महत्वाकांक्षा बल जो बोलते हैं उसके कारण हूँ। मैंने लॉकडाउन के पहले ट्रैक्टर की शोरूम चालू किया, बाद में मैंने मैकोलोटर यूनियन लिया, फिर बाद में रुका, लॉकडाउन लग गया फटाक से। क्या बोलूँ, क्या नहीं, क्या करूँ सोचने लगा। फिर सोचा कि यूट्यूब चैनल बना लूँ, क्योंकि मेरे पास भी ट्रैक्टर खड़े थे, बहुत सारे ट्रैक्टर थे, 15 ट्रैक्टर खड़े थे। उस बाद में मैंने जून महीने में उस टाइम पर 13 ट्रैक्टर बेचे एक महीने। बाद में ऐसा करते करते अच्छा काम हुआ, बाद में रुका और लॉकडाउन लगने वाला था, तब मैंने टायर की एजेंसी ले लिया। टायर की एजेंसी ऐसी दौड़ी कि अच्छा कमाया मैंने। हमारे एक साहब है, उसका नाम मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो ऑफिसर है, और उन्होंने मेरे को बहुत सारी मदद किया। वो सेट में थे और मैंने उन्होंने सेट का माल दिया डायरेक्ट कंपनी सेल्स। उन्होंने अपोलो, मैंने अपोलो की डीलरशिप ले लिया था, और अपोलो की डीलरशिप लेने के बाद वो बोले ठीक है, वो क्या काम है, व्यवहार है उनका। उन्होंने सोचा कि अपना भी माल चिपका दूँ, मैंने को मालूम था जो मिलता है वो लेना है, बस अपोलो का ले लिया। उनके साथ साथ सेट का भी ट्रैक्टर जो ब्रांड चलता है टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में, सॉरी फोर व्हीलर लोडिंग में चलता था, सेट और अपोलो चलाया। लोग एमआरएफ मांगते थे, मैंने भैया एक दो एमआरएफ ला कर रखा, पर उसमें मार्जिन नहीं, डीलर बचने नहीं देते हम लोगों को। फिर बाद में जे किसान जेके टायर्स की एजेंसी ले दिया, फर्म का दूसरा फर्म, अलग अलग जगह अलग अलग व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं एक ही जगह पर सब चलाना पड़ता कहते। मगर मल्टी ब्रांड यहाँ बेचता हूँ मैं, अब आज बेच करने से मैं एक नंबर का काम कर रहा हूँ, और एक नंबर सबसे ज़्यादा टायर बेचने वाले मैं ही हूँ, क्योंकि अभी ट्रक वाले, ट्रैक्टर वाले, जेसीबी वाले, टू व्हीलर वाले से उनको बोला जाता है कि आप रेट बताइए हम माल देंगे, ऑनलाइन रेट से मैं माल देता हूँ और माल यूँ बिकता है, क्योंकि डिस्काउंट रेट वाड़ी से बहुत सस्ता दे रहा हूँ। मैं कमीशन में नहीं, मैं कहीं पर भी सप्लाई कर सकता हूँ, आपको बताइए, आप बोलेंगे तो वहाँ बेच सकता हूँ। इंडिया छोड़, महाराष्ट्र छोड़ के बताइए ना, महाराष्ट्र में दूंगा, क्योंकि ज़्यादा से काम महाराष्ट्र में, क्योंकि लगेज का काम आएगा, ट्रिप आएंगी, और माल अच्छा है, टायर का धंधा सबसे बढ़िया है, और हिंग लगे पिटकेरी बोलते हैं हमारे मराठी में, वो अच्छा धंधा है, क्योंकि 2-3 लाख में इन्वेस्टमेंट बोलते, कुछ इन्वेस्टमेंट लोग गाड़ी लेके घूमते हैं। आजकल बुलेट है, बुलेट 8 लाख की बुलेट देखा है भाई, उसमें टायर कितने का होगा, वो 8 लाख की बुलेट से अच्छा है तो टायर का धंधा चालू करो रोजगार के लिए। हाँ, बाप को पैसे मांगते हैं लोग, और बुलेट में चलाते कोई अच्छी वो बाइक आती है अच्छी अच्छी महंगी महंगी, ये देखो टायर है, बाइक के टायर नीचे में ऊपर बहुत सारा माल पड़ा है, और ये महंगे महंगे टायर यूज़ करते हैं लोग, उससे अच्छा धंधा चालू करो। रोजगार मिलता नहीं बोलते, रोजगार मिलता है, आपको करना जरूरी है, और ऐसा काम कीजिए जिसमें पैसा है। मैंने ओनली टायर बेचता हूँ, मैं फिटिंग भी नहीं करता हूँ, नहीं एक्सचेंज लाया, नहीं फिटिंग लाया। मैंने एक दोस्त को पूछा, भैया मैं आपको अलाइनमेंट का सबका लगाओ क्या अच्छा है। उन्होंने बोला उम्र कितनी, मैंने बोला 48 की आ रही भाई, तो उन्होंने बोला 48 की है तो आपका बच्चा क्या करेंगे, अगर नहीं तो आप करो। अगर यंग कोई लड़का आता है अलाइनमेंट, उसने व्हील अलाइनमेंट पूरा टायर चेंजिंग अच्छा डाला, तो उसको पेट अच्छा भर सकता है, 50,000-1 लाख रुपये महीना इनकम फोर्स होता है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट नई डीलरशिप लिया तो अनेक डिस्ट्रीब्यूटर बैठे रहते हैं हर जगह पर, हमारे जैसे लोग बैठे रहते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आधा परसेंट पर काम करके आपको नकदी पेमेंट में माल देंगे, और आप फिटिंग का चार्जेस, एस चार्जेस और अलाइनमेंट के चार्जेस लेके आपका पेट भर सकते हैं, उसमें स्टॉप भी रख सकते हैं, अच्छा सेल होता है, स्पॉट अच्छा होना चाहिए बस स्टॉप के, या जहाँ हॉल है मार्केट है वैसा रहना चाहिए, बहुत बढ़िया माल बिकेंगे हम। तो टायर का धंधा करना बहुत आसान नहीं, तकलीफ नहीं, मेरे को लगता था बहुत तकलीफ हो रही करके, मगर मैंने जब इंटरेस्ट लिया, जब यहाँ दिल लगाया, आज दिल लगाया तो काम लग गया, अच्छा हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस है। थोड़ा गिरे लाते भाव नहीं करते, मैं बोलूँगा वो कीमत होती है, क्योंकि उनको मालूम है बहुत सस्ता माल बिकता है। मैंने बोल दिया ऑनलाइन रेट, भैया मेरे से बात भावबाजी मत कर, मैं भाव कीमत ही नहीं बोलूँगा, तू बता अपना मोबाइल खोल, ओपन कर टायर प्राइस, वो प्राइस में माल लेके जा, सीधा सीधा फंडा भाई, बहुत ही आसान, और पैसे कमाया ही जाता है। मगर लोग बोलते पैसे नहीं कमाएंगे,
इसकी नीयत खराब है, वो ज़्यादा पैसे लगाता है। हमारी नीयत अच्छी है, हमने बहुत पैसे कमा रहे, टायर में अच्छा काम चल रहा है। आप लोगों को बोलना चाहते हो आप भी टायर में बिजनेस कीजिए, बहुत बढ़िया है। यूट्यूब पर बताया जाता है कि कैसा करें क्या करें। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर लिख लीजिए और मेरा मेरे को मेल कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बिजनेस कैसा करना है, मैं ऑयल का बिजनेस बताऊँगा साहब। ऑयल में भी बहुत अच्छा काम है, ऑयल का भी बिजनेस कर सकता है। मैंने वो भी चालू किया है, होलसेलिंग किया है, और मेरे इतना रेट कोई दे नहीं सकता। मैं अभी कंपनी का रेट है, कंपनी का तोड़ नहीं सकता। मगर आप भी कंपनी का काम कीजिए, डीलरशिप लीजिए, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर लोग रहते हैं उनसे माल लीजिए और माल बेचिए। और हर दम लगता है, अभी नया बिजनेस आया यूरिया, ट्रैक्टर यूरिया, ट्रक का यूरिया आता है, उसमें मैंने पिछले महीने बेचा। ये यूरिया बोलते इसको टाटा का यूरिया लेता हूँ, बाकी कंपनी गुडवेयर का आता है, हर कंपनी का ABP आता है, मेरे पैसे अलग है तो। मगर टाटा का ज़्यादा बिकता है, क्योंकि टाटा के तो ज़्यादा बिकते हैं। आपको बता दें ये यूरिया में ये मेरा ऑयल का काम है, बहुत बड़ा काम है, और मैं डायरेक्ट पीटी का काम करता हूँ। उधारी नहीं, उधारी देना नहीं, नगद ले आओ, नगद लो। इधर भी है बहुत सारा काम अच्छा है। आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ बिजनेस करो, बिजनेस में सुखी है, अपने घर में करो, किराए से मत लेना। कि अगर घर के बाजू बाजू में अगर डालते हैं या नहीं, जिसका बहुत ही अंदर घर होगा उन्हें किराए से रेंट पर लेना चाहिए। और मैंने 20,000 रुपये महीने का रेंट लाए और अच्छा है और चल रहा है। दो स्वेटर ले रहा, ट्रैक्टर भी डिवीजन है, ऑफिस भी है, ये सब कुछ चीज़ें चलती है। और आप छोटा कीजिए, एक ही दुकान लेना मस्त विलेज अलाइनमेंट, ये वो या बस स्टॉप का पीछे का एरिया है। देखो गाड़ी बहुत सारी बिकती है, गाड़ी चलती भी है। हम लोगों हर कार को ट्रैक्टर को रखती है, हम देखेंगे कितनी लोग गाड़ी, हर गाड़ी कितनी है, एक मिनट में कितनी चलती है हम देखते रहेंगे। गाड़ी आती है, आ रही है। इतनी सारी सभी लोगों को माल लगता है, और इसलिए टायर का धंधा सबसे बढ़िया है। साथ में ऑयल का करो, अगर आपको एक्स्ट्रा बिजनेस करना है, साथ में एक मैकेनिकल रख दो, बैटरी रिचार्ज चार्ज, उसमें बैटरी बेचो, बैटरी में भी अच्छी मार्जिन मिलती है और ऑयल में भी मिलती है। अगर यंग लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, और सभी लोगों ने बिजनेस करना चाहिए। इसमें वैरायटी आती है, बहुत सारे ट्रक के टायर में अच्छी मार्जिन रहती है, मगर बेचना इतना आसान नहीं रहता है। ट्रक वाले उधार मांगते हैं, और जो नगद काम करना है उसको बोलना है कम पैसे कमा, आधा परसेंट कमा, मगर नगद लो, देखना आपका धंधा बढ़ेगा। हम लोगों ने अच्छा काम किया और आज सक्सेस हो रहे, और आज टायर में मेरा अच्छा काम चल रहा है साहब, और पेट भर रहा हूँ, पेट पे लायक अच्छा है। आप भी इस धंधे में आओ, युवा ने अच्छा ना ये, मैंने तो बिजनेस पार्टनर विथ नो मनी ये आपका फंडा बताया था पहले से वीडियो डाल रहा हूँ, और कोई आया नहीं, बिजनेस पार्टनर बनना चाहते नहीं, लोगों को रेडीमेड होना। अभी लोगों को क्या बोलूँ, ये टूट गया है, अभी क्या करना है, अभी ये टूट गया मेरा यूट्यूब चैनल का, सॉरी अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। और किसी को कुछ मदद लगती है, और राजेश श्रीकंड ने मेरा नंबर है, मेरे को चैट कीजिए और कॉल के लिए बोलिए, मैं कॉल करूँगा और आपको मदद करूँगा। कहीं पे भी महाराष्ट्र इंडिया कहीं पे भी बातचीत से मदद कर सकते हो, डीलरशिप ले सकते हैं या कोई भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते, नहीं लेना है तो मल्टी ब्रांड में सबसे बढ़िया काम है। मल्टी ब्रांड इतना आसान काम रहता है, मल्टी ब्रांड में जो मंगाओ C8 Apollo सब रखना थोड़ा थोड़ा, और 2-2.5 लाख के ऊपर माल रखने की जरूरत नहीं है। और ऐसा काम करना है गोडाउन से नजदीक है, या गोडाउन कहीं जिसके पास गोडाउन लंबा हुआ है तो उन्होंने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कीजिए। मगर मेरा कमरे से मेरा कैसा है, वाड़ी यहाँ से 8 किलोमीटर है, फैक्ट्री यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ सब भी गोडाउन आती है, इसलिए मैं गोडाउन से बुक करके माल देता हूँ। और मैं ऑथोराइज डीलर हूँ अपोलो का, C8 का और JK का, और अच्छा माल बिक रहा है और बेच रहा हूँ। आप भी अच्छा बिजनेस कीजिए, और कुछ भी तकलीफ होती है तो मिलिए और कॉन्टैक्ट कीजिए, चैटिंग कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को, युवा को शक्ति देना चाहता हूँ, युवा को नॉलेज देना चाहता हूँ कि ये धंधा जरूरी कीजिए, अच्छा धंधा है, इसमें बहुत सारे लोगों को पेट भरता है। और आपको दिखाए गाड़ी कितनी, हर घर में 2-4 गाड़ी, 1-2 कार, 1-2 ट्रक, 1-2 फैक्ट्री, कुछ ना कुछ है ही भाई, जिसका कुछ नहीं उसके यहाँ 2-व्हीलर लूना है, एक्टिवा है, ये सब चीज़ें है, इसलिए अच्छा धंधा होता है कार का, 2-व्हीलर का। दूसरा बिजनेस करने के लिए मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा। आजकल मैंने बताया ना, बंद किया था, थोड़े से वीडियो अलग से अलग हो गए थे, मगर अच्छा लगा कि आज मेरे को लगा कुछ तो भी बताना चाहिए। वो हमारे यहाँ के स्टॉप, आज संडे था, छुट्टी थी, इसलिए मैंने आपको बताया, अच्छा लगा आपसे चर्चा की। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए। मैंने इसके पहले भी वीडियो डाले, मगर लोगों को पता नहीं, देखते हैं और
शेयर नहीं करती है करते हैं। मैंने संत गाड़गे बाबा का वीडियो डाला, बहुत बढ़िया डाला, उनकी समस्या चली वहाँ के लोगों की, वहाँ के लोगों की समस्या उन लोगों ने भी देखी। संत गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान है, क्योंकि वो तो ग्रुप भी भेजते हैं, वैसे धंधे का भी है। अभी ये भी नहीं भेजेंगे, मत भेजना भाई, मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो नहीं, मेरा 15 मिनट जाएंगे, मगर ज़िंदगी में किसी को 100 लोगों में से एक भी आदमी के काम में आ गए वीडियो, मेरा तकदीर खुल जाएगा। एक आदमी का पेट भरने के लायक मैंने कर दिया भाई ये वीडियो से। यूट्यूब चैनल में मेरा पेट भरने का साधन नहीं है, मगर ये काम मैंने लॉकडाउन के पीरियड में किया था, लॉकडाउन में अच्छा सक्सेस हुआ। और ये लॉकडाउन के लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पर अनेक लोगों की नौकरी गई, अनेक लोगों को मोटिवेशन करने की कोशिश किया, मैं खुद भी मोटिवेशन हो गया, मैं बताते बताते मैं इतना एक्टिव हो गया, मेरे को अच्छा नॉलेज आया। मैं कभी बातचीत नहीं करता था, कभी बोल नहीं सकता था, अभी अच्छा बात करता हूँ। आप सभी की दुआ है, आप सभी का आशीर्वाद है, और मैं सभी चाहते को लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ये वीडियो में युवा को ताकत मिलेंगी। युवा हमारे देश का मेन है, मोदी बताते हैं कि रोज़गार करो, मगर रोज़गार वाले ने बताते कि हम लोगों को क्या करना है। मैंने सब चीज़ किया, अच्छा किया, आप लोग भी करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सभी मज़ा आती है काम करने में, और बिकता है, बेचने वाला चाहिए। मैं सस्ता बेचता हूँ, मेरे दुकान में मत आइए, मत आना है तो आइए, मगर धंधा जरूर कीजिए, धंधा करने के लिए मेरी मदद लीजिए। कर्मिशन के होंगे कर्मिशन लीजिए, नापू वाले होंगे नापू वाले लो, विदर्भ का कोई भी आदमी आ सकता है, महाराष्ट्र का कोई भी आदमी आ सकता है, इंडिया का कोई भी आदमी आ सकता है, यूपी बिहार सभी जगह का भी आ सकता है। और लाइक सरप्राइज करना जरूर मत भूलना, क्योंकि यहाँ से काम करना है, दिल से काम करना पड़ता है। आप लोगों को भी दिल से मेरे को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।